सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल टेक्निकल गुरु चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सैमसंग B110E में आप नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों, ये B110E का PCB बोर्ड है, जैसा कि आप इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको नेटवर्क से संबंधित प्रॉब्लम बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है कि आप यहां से लेकर के और इस डायोड तक आपको 3.6 वोल्ट आता है। हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस बैटरी कनेक्टर से और इस डायोड तक 3.6 वोल्ट आता है, उसके बाद इस कंपोनेंट पे 3.6 वोल्ट आता है, उसके बाद इस वाले पे आता है। दोस्तों, ये तीनों कंपोनेंट पे 3.6 वोल्ट आता है डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर से। यदि नहीं आता है तो आप इसे आप जम्पर लगा लेंगे, उसके बाद भी नहीं होता है तो इस IC को आप एक बार हल्का सा हीट करेंगे, नहीं होता है तो इसे आप रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद भी नहीं होता है तो इसे हीट करने से पहले इस क्रिस्टल को हल्का सा हीट करेंगे। ये जो क्रिस्टल लगा हुआ है, इस क्रिस्टल को हीट करने के बाद थोड़ा सा हम और आपको जूम करके दिखा देते हैं। इस क्रिस्टल को हीट करेंगे, नहीं होता है तो क्रिस्टल बदल देंगे और नेटवर्क IC को भी आप हीट करके देख लेंगे, नहीं होता है तो नेटवर्क IC बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों IC खराब रहे। हम आपको एक छोटा सा जम्पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक आपको डिजिटल तरीके से आपको बता देते हैं कि कैसे जम्पर लगाना है। ज़्यादातौर पे जो प्रॉब्लम होता है वो सप्लाई ब्रेक के कारण होता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा जम्पर हम लगा लेते हैं ताकि आपको हमें समझाने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से आप जम्पर उठाएंगे, यहाँ से ये और आप यहाँ तक एक जम्पर लगाएंगे और दूसरा जो सिरा है आप यहाँ से उठाएंगे यहाँ तक जम्पर लगाएंगे और तीसरा जो जम्पर है आपको यहीं से यहाँ तक जम्पर लगाएंगे और चौथा जो जम्पर है वो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जम्पर लगाएंगे। दोस्तों, यदि इसके बाद नहीं होता है तो आप इस IC को हल्का सा हीट करेंगे और इसके बाद नहीं होता है तो ये क्रिस्टल को आप इस क्रिस्टल को आप चेंज कर देंगे। दोस्तों, ये B310E का PCB बोर्ड को हम डिजिटल तरीके से बस आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।